आज गूंगे और पहरे बनने से काम नहीं चलेगा। आपकी नबी की शरीयत और सुन्नत पर उल्टे सीधे अल्फाज बोले जाते, तौहीन आमे इस कलिमात कहे जाते। जितना हो सके खुल कर लोगों के सामने में कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखी, अपनी शरीयत की बात रखी। रिवायती बातों को भुलाकर, पुराने तरीकों को छोड़कर नए जमाने में नए तरीके की जरूरत पड़ेगी। मैदान में निकलकर नबी पाक अली सलातु वस्सलाम के झंडे को, इस्लाम का क्या झंडा है हम लोगों को यह भी नहीं मालूम, मुसलमानों का झंडा, देश का झंडा तो तिरंगा है, मुसलमानों का कौन सा झंडा हम मुसलमानों को यह भी नहीं मालूम। मुसलमानों का झंडा समझते हैं कि हरा कलर का है। याद रखो मुसलमानों, हरा कलर का झंडा इस्लामी झंडा नहीं है। इस्लामी झंडा जैसे हिंदुओं का भगवा झंडा उनका धार्मिक झंडा है, ऐसे मुसलमानों का जो इस्लामी झंडा है वो दो मिलता, ब्लैक एंड व्हाइट यानी काला और सफेद। जमीयत का जो झंडा है वो इस्लामिक झंडा है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जब मक्का से मदीने से मक्का जा रहे थे फतह करने, मक्का को फतह करने मक्का के लिए निकले नबी पाक अली सलाम, तो उस वक्त जो झंडा था कई लोगों के हाथ में झंडे थे, तो उस झंडे का जो कलर और जो रंग था वो सफेद था और काला था और धारी थी। एग्जैक्ट हो या ना हो लेकिन ये दो रंग मिलते हैं। कसरत के साथ में हम मुसलमानों को यह भी नहीं मालूम है कि भाई मुसलमानों का झंडा कैसा होना चाहिए, इस्लामिक झंडा कैसा है। इस देश का जो तिरंगा है ये सुरैया तैयबा का बनाया हुआ, ये सुरैया तैयब हैदराबाद से बिलोंग करती, ये भी एक मुसलमानों का दिया हुआ एक झंडा है। ये देश का तिरंगा, इसका झंडा और भगवा झंडा हिंदू भाइयों का, उनका झंडा और हरा झंडा मुसलमानों का माना गया, लेकिन हरा झंडा मुसलमानों का नहीं है बल्कि इस्लामिक जो झंडा है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, व्हाइट है और उसके अंदर में ब्लैक है और एक धारी है उसके अंदर में। और आज उसकी सही शक्ल आपको देखनी है तो जमीयत उलमा हिंद का झंडा देख लीजिए। उस सदर साहब ने, उस चेयरमैन ने ये कहा कि मौलाना आप एक बात बताइए, आप नबी के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, जब आपका आपके नबी का इंतकाल हुआ हमने पढ़ा है किसी किताब में, तो आपके नबी के घर में जो जो चिराग रोशन हो रहा था, जो जल रहा था, उस चिराग में जो तेल डाला गया था तो एक यहूदी से लेकर तेल डाला गया था, यानी अल्लाह के नबी की जिंदगी में आप अली सलाम ने बहुत ज्यादा वसात और खुशहाल जिंदगी नहीं गुजारी। नबी पाक अली सलाम खाने की फरामानी हो, तेल की फरामानी हो, कपड़ों की फरामानी हो, गाड़ी की फरामानी हो, नहीं, आप अली सलाम ने पूरी कोशिश की है कि फाके की जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुजरे। कि जब मोहम्मद का इंतकाल होता है तो चराग में तेल डालने के लिए वो एक यहूदी से मांगा जाता है, और लेकिन नबी की दीवार पर नौ की नौ तलवार लटकी हुई थी, तो इससे साफ पता चलता है कि आपके नबी लड़ाकू थे, जाबाज थे, लड़ने वाले थे, जिहादी थे, जंगबाज थे। ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। हम में से बहुत सारे नौजवानों को, हम में से बहुत से मुसलमानों को नहीं मालूम। हम अगर बोल दें हम सिर्फ पीछा छुड़ाने में रह जाते हैं। नहीं, हमारे नबी पाक अली सलाम ने जंग नहीं लड़ी, आप अली सलातो वस्सलाम ने कहो कि जंग लड़ी। 27 ग़ज़वात में से 9 में जंग की नौबत आई, आप अली सलाम जंग में शरीक हुए। लेकिन ये कहो कि नबी पाक अली सलाम ने अपने हाथ से किसी इंसान का एक कतरा खून नहीं बहाया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका उठाकर देखो, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट किताब कही जाती है संस्कृत जुबान के अंदर। पुराण उठाकर देख लो, भविष्य पुराण, कल की पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण उठाकर देख लो, नबी पाक अली सलाम ने किसी का भी एक कतरा खून तक नहीं बहाया। नबी ने जंग लड़ी है,
ये बात झूठ नहीं है। आप अली सलाम जंग लड़ते थे और पीछे नहीं हटते थे। आप अली सलाम हर मुश्किल हालात का सामना आपने किया। हम और आप तो नामी मुसलमान हैं, आप सही मुसलमान तो वो थे। इतनी मेहनत और मशक्कत की, इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने उनको कुरान करीम के अंदर पैगाम दिया, उलाइक हुमुस सादिकून उलाइक हुमुल मुफ्लिहून रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्। आज हम तो सिर्फ नामी मुसलमान, मेरा नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है। आप कहिए बुज़दिल मत बनिए, लेकिन बताइए ये तरीका आपको आना चाहिए कि दुनिया के लोगों कभी जरूरत पड़ जाए तो जंग जरूरी हो जाती। अगर आपके नबी पर एतराज करता है, अगर हमारे हिंदू भाई को सनातन धर्मी भाई को एतराज है, तो उठाइए श्रीमद् भगवत गीता का पहला मंत्र जंग से शुरू होता, जिसके अंदर कहा गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धवः मामका पांडवाश्च किं कुर्वत् संजयः। कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई थी कई महीनों तक ये जंग लड़ी गई थी, ये जंग हुई थी और ये युद्ध चला था कई महीने तक। दो भाइयों के बीच में, दो खानदान के बीच में लड़ाई हुई थी। बेटा बाप एक है लेकिन खानदान दो है, एक तरफ कोरू का खानदान, एक तरफ पांडु का खानदान। श्रीमद् भगवत गीता के शुरू के अंदर में जितने भी अश्लोक आप देखेंगे वो सब जंग के ऊपर है। आप कहिए कि मोहम्मद ने जंग लड़ी, फक्तुल मुशरिकीन है सुवजतुहुम परफेक्ट है, लेकिन आम हिंदू के लिए नहीं, आम मुशरिकों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो बागी थे, उन लोगों के लिए है जो नबी को मिटाना चाहते थे, उन लोगों के लिए है जो नबी को धोखे से कत्ल करना चाहते थे, उन लोगों के लिए है जो नबी के खिलाफ साजिशें करते थे, ये उन लोगों के लिए। और ये बात तो शास्त्रों में भी बताई गई। रामगिरी महाराज साहब पढ़िए, आपकी किताब में ये बात साफ तौर पर लिखी हुई है, रुद्र वो गिरीवा शरैत पिशाच अव ब्रह्मा द्विशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतः। कि अगर कोई शत्रु मिले तो उसका सर तन से जुदा कर दो। अगर कोई शत्रु मतलब राक्षस मिले, और जब कोई किसी को लड़ने के लिए आता है जंग के मैदान में उसको मारता है तो वह एक राक्षस होता है। अल्लाह के नबी ने जंगे उहद लड़ी, अल्लाह के नबी ने जंगे बद्र लड़ी, अल्लाह के नबी ने गज़वे हुनैन, अल्लाह के नबी ने गज़वे तबूक जंगे लड़ी है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरह दिल आज तक कोई भी सिपह सालार नहीं दिखा सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह जंग लड़े, फतेह मक्का के मौके पर नौ तलवार जरूर आप अलैहिस्सलाम के पास थी, लेकिन वो नौ तलवार इंसानों के खून के लिए नहीं थी, बल्कि वो नौ तलवार उन फासिक और उन लुटेरों को सबक सिखाने के लिए जो इंसानियत के दुश्मन थे, जो इंसानों के दुश्मन थे, जो अमन और शांति के दुश्मन थे। आप अली सलाम मक्का से मदीना से मक्का चलते हैं फतह करने के लिए। एक सहाबी ने ऐलान किया अल्योम योम मलहमा, आज लड़ाई का दिन है, आज तो गोश्त काटने का दिन है, मलहमा गोश्त के आते हैं, आज तो हमारी तलवार है। जब मक्का से नबी गए थे निकलकर, जब हिजरत करके आप अली सलाम रो रहे थे कि मक्का इस जमीन पर तुझसे ज्यादा मोहब्बत और प्यारी जगह मेरे लिए कोई नहीं है, अल्लाह के नबी फरमा रहे, जब आप हिजरत कर जब आपको हुक्म हुआ, जब आप मक्का से मदीना के लिए रवाना हो रहे हैं, तो होता है ना कभी कभी आदमी घर से बाहर निकलता है तो कुछ दूर निकलकर खड़े होकर मुड़कर रोता हुआ देखता है, आंसू बहता है और कुछ से कुछ बोलता है, तो यही हालत तकरीबन रही होगी अल्लाह के नबी की। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर रब का ऑर्डर ना होता तो ऐ मक्का मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाता, क्योंकि तुझसे ज्यादा पवित्र और तुझसे ज्यादा प्यारी जगह मेरे लिए इस दुनिया में, इस जहान में 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में कहीं पर भी नहीं। इस जमीन की जो स्क्वायर फिट निकालेंगे 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में ये दुनिया, ये जमीन बसी हुई, इन जमीन में से कोई जगह नहीं है, लेकिन मजबूर हूं जाना पड़ रहा है। इसलिए मैं आज भी भारत के लोगों से कहना चाहता हूं, मुसलमानों की मोहब्बत का पैमाना न नापो,
बल्कि दीन जमीन से मुल्क से मोहब्बत हमारा ईमानी और अखलाकी फरीजा है सुन्नत रसूल।